हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनादर व्लॉग कैसे हो आप सब मैं एक हफ्ते के बाद पोस्ट कर रही हूँ मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत सारे डीएम कर चुके हो ऑलरेडी कि दी क्या हो गया आपके लॉन्ग व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं आप सही तो हो ना इट्स रियली स्वीट ऑफ यू गाइज जब आप लोग ऐसे मैसेज करते हो ना लिटरली मुझे कितना भी थकान क्यों ना हो कितना भी टायर्ड क्यों ना हो मैं कभी कभी लेथर्जी भी होती है पर फिर भी मैं खुद को पुश करती हूँ एंड प्लीज कीप डूइंग दैट सो दैट आई कैन कीप डूइंग दिस यू नो मैं एक हफ्ते के लिए छुट्टी ली थी क्यूँकी माई कजिन वॉज गेटिंग मैरिड और मैं घर गई थी थोड़ा प्लान था की बहुत सारा व्लॉग बनाऊंगी मैं और पूरा सब कुछ मतलब कैप्चर करूंगी सारे मोमेंट्स एंड एवरी थिंग पर सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होती है मैं पहली बार कोई शादी में व्लॉग करने की कोशिश की एंड इट इज रियली डिफिकल्ट इज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट फिर भी मैं छोटा दो व्लॉग शेयर की हूँ मतलब मिनी व्लॉग और लंबे व्लॉग मैं कोशिश करूंगी क्योंकि ऐसे सिक्वेंस वाइज इस वीडियो नहीं बना पाई हूँ मैं फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जितना भी मोमेंट्स मैं कैप्चर कर पाई हूँ और हाँ आज मम्मी पापा वापस आने वाले है मैं काफी जल्दी उठ गई थी आज और क्यूँकी विंटर है तो सारे विंडोज वगैरह क्लोज है इसीलिए आपको नहीं दिख रही है बिकॉज विंडो खोल देने से इतना ज्यादा ठंड आ जाती है अभी और कुछ ही दिन बचे हैं विंटर के बाकी तो बस समर ही समर है यहाँ पे कोलकाता में ह्यूमिडिटी एंड गर्मी एंड एवरीथिंग तो एवरी हाँ, पेनी भी स्वेटर पहन के रखी है और मैं भी आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि आप ऐसे स्लीवलेस कपड़े पहन के कैसे रह सकते हो मैं सुबह ही थोड़ा सा ऐसे स्वेटर वगैरह पहनती हूँ और फिर शाम को कभी कभार मोस्टली मेरे को ऐसे स्वेटर वगैरह या शॉल वगैरह ऐसे ओढ़ना एंड देन बहुत सारे कुछ पहन के रखना पसंद नहीं है फिर भी इस बार ठंड काफी ज्यादा पड़ी थी इसलिए सॉक्स भी पहनी मैं एक दो दिन नहीं तो लास्ट आई रिमेंबर मैं स्वेटर भी नहीं पहनी थी कभी और सॉक्स तो मतलब छोड़ी दो फिर कम्बल भी हम निकाल के रखे थे जो बड़ा वाला कम्बल है ओढ़ने के लिए पर जो छोटे वाले कम्बल है ना वो ही ओढ़ के विंटर निकल गई क्योंकि लास्ट ईयर तो ठंड पड़ी ही नहीं थी और अभी ना सुबह के तीन बज रहे हैं मैं फ्लाइट से वापस आके सोची की अभी वॉइस ओवर कर लेती हूँ क्योंकि जब सुबह उठूंगी ना तब बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होती है अगर अभी मुझे वॉइस ओवर करने में एक घंटे लगेंगे ना तो उस समय मुझे वॉयस ओवर करने में दो घंटे लग जाते हैं मोस्टली बैकग्राउंड नॉइज आने से मैं इसे स्टॉप कर देती हूँ फिर दोबारा से स्टार्ट करती हूँ पर कभी कबार ऐसा भी होता है कि मैं फ्लो फ्लो में बोलती गई और बीच में बैकग्राउंड नॉइज आया जब मैं सुनती हूँ तब जाके मुझे रियलाइज होता है अच्छा बहुत ज्यादा नॉइज है फिर ऐसा भी होता है कि मुझे वो डिलीट करके फिर से करना पड़ता है सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक रीटेक करने जैसा एंड इट कंज्यूम सो मच टाइम तो आई प्रेफर कि मैं ऐसे रात को करूँ पर रात को भी इतना ज्यादा नॉइज आ रही है बताओ अब मैं कौन से टाइम पर करूं अभी भी फिर भी टर है एज कंपेर टू दे टाइम पर हाँ कोई भी टाइम मतलब इट्स लाइक द सिटी नेवर स्लीप्स यू नो इवन रात को देखो सुबह तीन बजे हो रात को दो बजे हो हर समय गाड़ी चलती है एंड पीपल आर अवेक यू नो चलो अभी ना पेनी आ, देखो खाना मांग रही है क्योंकि उसको ना पता नहीं कुछ दिनों से काफी ज्यादा भूख लगती है क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं और ज्यादा बार देते हैं मतलब यू के नॉट गिव अ लॉट ऑफ फूड एट वंस वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है तो हम चार से पांच बार खाना देते हैं पर थोड़ा थोड़ा करके देते हैं अभी मम्मी पापा वापस आ गए हैं और फिर देखो मम्मी ऐसे घर का खाना जो हमारे दाल चावल और फिश वैसे तो मुझे फिश बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है पर बंगाली घर में क्या होती है कि फिश मोस्टली मोस्ट ऑफ़ द डेज फिश होती है हफ्ते में एक आधा दिन चिकन हो गया और एक दो दिन हम वेज भी खाते हैं माय मॉम इट्स वेज टू डेज अ वीक और भाई और पापा तो दुकान में रहते हैं तो घर पे वेज खाते हैं पर दुकान में कभी कभार वो लोग नॉन वेज भी खा लेते हैं पर माय मॉम फॉलोज़ दिस वेरी स्ट्रिक्टली कि हाँ हफ्ते में दोनों दिन तो वेज खाती हैं आई थिंक ट्यूजडे एंड वेज भी दोना मुझे चलेगा। ऐसा नहीं, क्रेविंग नहीं होती है वही खा लो अगर वेजिटेरियन हो जाऊँ पूरा कंप्लीटली तो फिर मेरे फैमिली के लिए प्रॉब्लम होता है कि मेरे लिए अलग से खाना बनाना पड़ेगा अभी जैसे कुछ दिनों से ना मैं वेज ही खा रही थी लाइक माई आंटी वो कुकिंग वेज ओनली एंड कि फिश नहीं खाना है चिकन नहीं खाना है तो एक दिन अंडा बनाने के लिए बोल दी थी मैं पर ऐसे वेज ही खा रही थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जियां भी पड़े थे तो मैंने सोचा यूटिलाइज कर लेती हूँ चलो अभी स्किन केयर कर लेती हूँ थोड़ा सा नहाने के बाद फिर कहीं निकलेंगे हम और आप लोग हमेशा मुझे बोलते हो कि मैं आपको स्किन केयर करने के लिए इंस्पायर करती हूँ ये जब मैं सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही मैं स्किन केयर वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी और मतलब एक टाइम ऐसा भी आया था मेरे लाइफ में कि मेरा स्किन इतना खराब हो गया था आई वॉस ट्वेंटी और ट्वेंटी टू में भी एट दैट टाइम और मेरे पूरे फेस में इतना ज्यादा पिंपल हो गया था लिटरली एंड आई रिमेंबर दैट टाइम आई टू फील सो अंडर कॉन्फिडेंट एंड सो डिप्रेस्ड मुझे घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता था फिर जाके मैं डॉक्टर भी दिखाई थी पर सम्हा मुझे ना ट्रेटिनोइन दिए थे उस समय डॉक्टर पर उस समय ट्रेटिनोइन यूज करने के बाद मेरे फेस में और ज्यादा पिंपल आने लगे थे ऐसा होता था कि मैं रात को ट्रेटिनोइन लगाती थी क्योंकि रात को ही आप ट्रेटिनोइन यूज कर सकते हो और अगर आप रात को ट्रेटिनोइन यूज कर रहे हो तो सुबह आपको फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा के सनस्क्रीन लगाना ही पड़ेगा नहीं तो आपकी स्किन जो है वो फोटो सेंसिटिव हो जाती है उसके वजह से सन डैमेज हो जाएगी तो मैं रात को ट्रेटनॉइनल लगा के सोती थी और सुबह उठती थी देखती थी कि मेरे फेस में चार पांच नए पिंपल आए हैं और ऐसे करते हुए आई जस्ट यूज दैट फॉर मे बी अ वीक और एक हफ्ते में मेरे फेस पूरे पिंपल में भर गए थे फिर मैंने डिस्कटिन्यू कर दिया ट्रेटिनॉइल यूज करना फिर बहुत सारा स्टोरी है मेरे स्किन में मैंने बहुत कुछ गलत करा है एंड माइ

बाकी भी बहुत सारे स्किन कंसर्न होते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो डीएम करके भी बोलते हो पर हाँ पिंपल का भी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का है तो हाँ ये तो स्किन केयर वीडियो नहीं है फिर भी मैं एक थोड़ा सा जर्नी मेरा जो रहा है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ भी बहुत टाइम लगा है आई थिंक इट टुक इस फॉर मी टू ट्रांसफॉर माई स्किन फ्रॉम दैट टू दिस एंड नाउ आई है एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ स्पेशली विद इनग्रीडियंट्स लाइक जो इन्ग्रीडियंट मुझे सूट होती है जैसे नाइसनेमाइड एंडिक एसिड मोस्टली आप देखोगे मेरे स्किन केयर में मैं बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक साथ यूज नहीं करती हूँ उसमें स्किन जो है वो कंफ्यूज होती है एंड फिर रिएक्ट करती है और अगर आपके स्किन बैरियर एक बार खराब हो जाती है ना उसको दोबारा से वापस से ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है प्लीज लेट मी नो अगर आप जानना चाहते हो मेरे स्किन केयर जर्नी के बारे में तो मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी और सब कुछ बताऊंगी आपको चलो अभी चलते हैं हम लोग जा रहे हैं ब्लू स्टोन के शॉप पर और लास्ट ईयर में आई थी यहाँ पे एक्चुअली मुझे ना मूल्य पेंडेंट लेना था और मुझे कहीं नहीं मिल रहा था तो ऑनलाइन जब चेक किया तो देखा ब्लू स्टोन के शॉप पर है वो अवेलेबल है रेडिली अवेलेबल तो मैं जाके ही ले सकती हूं। जब कुछ ऐसे खरीदने का मन करता है ना और बोलते हैं कि ऑर्डर देना पड़ेगा और आपको पंद्रह करना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा ऐसे लगती है कि मतलब पंद्रह बीस दिन वेट करे कहाँ पे अवेलेबल होगा रेडिली अवेलेबल की जाके ही एकदम खरीद सकते हैं और घर लेके आ सकते हैं ऐसा होता है ना तो उस समय मुझे इस पेंडेंट के लिए ऐसा हो रहा था और जब मैं शॉप पर गई तब पेंडेंट के साथ पहनने के लिए एक चेन भी खरीदी थी और फिर साथ में एक स्कीम भी कराई थी जो 11 महीने के हैं तो आपको पता होगा जो गोल्ड शॉप में होती है ना स्कीम तो वो कराई थी और वो मच्योर हो गई थी कुछ चार महीने पहले पर टाइम नहीं मिल रही थी मुझे तो मैं आ नहीं पा रही थी अब इसीलिए आई हूँ अब चेक कर रही हूँ कि कौन सा वाला बेटर है आई एम परचेजिंग दिस फॉर माई मॉम और फिर फाइनली मैं मम्मी को थोड़ा टाइम लगा एंड वन ऑफ दिस जो लास्ट में दिखा रहे थे ना वो वाला चूज़ किया था अभी ना मैं रिंग देख रही थी बहुत सारे अच्छे अच्छे रिंग्स थे बट इट इज़ टू एक्सपेंस सिव गाइस टू बी ऑनेस्ट लाइक वो तो मैं पैसा जमा की थी उस स्कीम में तो वो खरीद पाई नहीं तो अभी ऐसा हो गया कि बाई कैश यू के नॉट रियली बाई गोल्ड एनी मोर बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव लाइक दो रिंग पसंद आए थे मुझे जो साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे पर वो अड़तालीस हजार रुपए के थे पता है मतलब वो दिख भी नहीं रहा था कि इट्स लाइक फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज का है और मैं वैसे भी ज्यादा ज्वेलरी वगैरह पहनना पसंद नहीं करती हूँ अभी फिर भी उम्र के साथ मैं एक चेन एक अंगूठी और एक ब्रेसलेट पहन के रखती हूँ पर हाँ नॉर्मली आई प्रेफर नॉट टू वेयर एनी थिंग तो इसीलिए मैंने नहीं खरीदा इतना महंगा लाइक आई वुड इन्वेस्ट फिफ्टी थाउजेंड रुपीज लाइक म्यूचुअल फंड और समथिंग मुझे पता है कि गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट है पर गोल्ड के साथ क्या होती है ना कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी के प्रॉब्लम होते हैं लाइक थोड़े से गोल्ड भी इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होती है कि आप कहाँ पे रखोगे और मतलब अगर आप पहन के रख रहे हो वो भी एक प्रॉब्लम है कि हाँ कहीं जाने से बहुत कुछ होता है पर घर पे भी अगर छोड़ के जा रहे हो कभी कुछ हो गया लाइक यू नीड टू ऑलवेज थिंक कि अच्छा यहाँ पे मेरे एक्सपेंसिव चीजें हैं तो ये मुझे सिक्योर करके जाना पड़ेगा एंड इट्स अ लॉट्स ऑफ हेडेक इसीलिए मुझे लगता है कि बेटर आप कहीं और इन्वेस्ट करो वहां पे भी मार्केट के एक रिस्क होती है बट ऐसा नहीं कि हाँ इट कैन बी स्टोल इन और समथिंग यू नो फिर हम गए थे साड़ी खरीदने के लिए और वी वेंट टू आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल कोलकाता के लोगों को पता होगा इट्स अ वेरी फेमस शॉप इन कोलकाता और बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ साड़ी मिलते हैं आई थिंक ऐसा कोई साड़ी नहीं है जो पे अवेलेबल नहीं होगी पता है ये जो मार्केट है ना यहाँ पे बहुत सारे साड़ी के दुकान है एंड दिस वन ऑफ द दिखा नहीं like a, क्या भुल, भुल है लोग साड़ी खरीद रहे हैं क्योंकि अभी शादी का मौसम है, course, like, शादी का सीजन है मौसम बोल रही हूँ विंटर में सारे लोग साल भर वेट करते है शादी करेंगे विंटर इज वेरी कन्वीनियंट स्पेशली इन कोलकाता बिकॉज गर्मी में काफी ज्यादा गर्मी होती है तो लोग साल भर वेट करते हैं कि विंटर में शादी करेंगे एंड वही इसीलिए इतना ज़्यादा क्राउड थी कि मैं फिल्म नहीं कर पाई पर जो चीज़ें मैं खरीदी हूँ आपको मैं जाके दिखाऊंगी आई जस्ट परचेज वन साड़ी एंड वन सलवार सूट और फिर मैं मम्मी के लिए कुछ ब्लाउजेज खरीदी थी दैट्स ऑल सलवार सूट थोड़ी लूज थी तो उसको सिलवा लिया वहाँ पे आसपास बहुत सारे शॉप्स हैं और फिर ब्लाउज भी बनवाने दे दिए थे मोस्टली मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी क्या होती है ना की मैं मतलब मेरे सारे जो पुराने साड़ी है उसमें यही प्रॉब्लम है कि मैं उस समय थोड़ी हेल्दी थी तो वो ब्लाउजे मुझे फिट नहीं आते तो वो साड़ी के लिए भी मुझे ना ऐसे ब्लाउज खरीदना पड़ता है इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे आठ सौ हजार रुपए की ब्लाउज खरीदूंगी उससे बेटर मैं एक अच्छा सा साड़ी खरीद लेती हूँ मेरे पास बहुत सारे ट्रेडिशनल साड़ी है तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसे डिजाइनर फैंसी साड़ी खरीदती हूँ जो ऐसे नॉर्मली कहीं पर जाने के लिए भी मैं पहन सकती हूँ एंड दिस इज द सलवार सूट जो मैं ली थी इसके जो प्लीट्स वाले डिजाइन है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा था पर नेक और बैक का जो डिजाइन है मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया और दुपट्टा भी अच्छा नहीं है पर कलर बहुत अच्छी थी रेडीमेड जो सलवार सूट मिलती है ना वो थोड़ी ऐसी ही होती है इसलिए मैं हमेशा ऐसे टेलर से बनाना पसंद करती हूँ पर देन अब कहा से मिलेगा इतना टाइम है भी नहीं तो ये ब्लाउजेज मैं मम्मी के लिए खरीदी थी और एक ब्लाउज में, में मेरे लिए भी ली थी पर आई थिंक और एक साइज छोटा लेना चाहिए था क्योंकि मैं देखो ये ऊपर स्वेटर के ऊपर पहन रही हूँ तभी भी जाके लूज आ रही है मुझे तो आई थिंक ये मैं मम्मी को ही दे दूंगी द कलर वॉज रियली गुड पर मैं जानबूझकर ये साइज खरीदी क्योंकि ये मम्मी भी पहन सकती है और अगर मुझे पहनना है तो मैं थोड़ा सा सिलाई करके पहन सकती हूँ इससे भी छोटा लूंगी तो ये सब पड़ा रहेगा मैं नहीं पहन ऐसे इत... तो पहनने को होता ही नहीं है एटलीस्ट मम्मी कैन यूज इट और ये साड़ी है जो मैं खरीद के लेके आई ये कलर जो है ना इतना सुंदर है कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा है इन पर्सन द कलर इज रियली गॉर्जियस एंड द डिजाइन एज वेल मैं फर्स्ट टाइम देख के ही पसंद कर ली थी कि मुझे यही लेना है और मेरे पास कोई भी साड़ी नहीं है इन दिस कलर और फिर एक सलवार सूट है जो मैं मायापुर पहन के गई थी बट साड़ी नहीं है एंड द डिज़ाइन ऑल्सो वेरी प्रिटी मैं आपको पूरा साड़ी दिखा रही थी द साड़ी ऑल्सो इट्स लिटिल हैवी क्योंकि ये जो डिज़ाइन है इसके लिए बट इट्स नॉट समथिंग यू ओंट बी एबल टू कैरी और साथ में फैंसी भी है लाइक like आप ऑफिस वगैरह में भी कोई ओकेजन है कुछ स्पेशल डे है तो आप पहन के जा सकते हो यू कैन स्टाइल इट इन मेनी डिफरेंट वेज और मैं शादी में जो पहनी थी उसके लिटरली कोई फोटोज़ और वीडियोज़ नहीं है अच्छे अच्छे मतलब मेरा प्लान जो था वो तो बिल्कुल भी काम नहीं किया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको ना ये स्टाइल करके दिखाऊंगी विद मेकअप एंड अदर थिंग्स एक वीडियो बनाऊंगी मैं उसका चलो अभी काफी लेट हो चुके हैं मम्मी इज कुकिंग और मैं यहाँ पे बनाने के साथ -साथ मम्मी को थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ मम्मी इज कुकिंग चिकन एंड यस मैं बहुत दिनों से वेज खा रही थी एंड दिस इज द टाइम आई थिंक फॉर टेन डेज आई डिड नॉट व्लॉग बिकॉज मैं रोज पोस्ट नहीं कर रही हूँ मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई थी बिकॉज लॉन्ग वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और समय जाती है एक छोटा वीडियो बनाने में अगर मुझे एक घंटे लगते हैं तो लॉन्ग वीडियो बनाने में मुझे तीन घंटे लगते हैं और लॉन्ग वीडियोज में व्यूज इतने कम हो गए हैं अभी और ये बस मेरे साथ ही नहीं ये सभी के साथ हो रहे हैं ये ना टाइम टू टाइम होता रहता है यूट्यूब में भी एंड देन फेसबुक पर भी मतलब ऐसा होता है कि लॉन्ग फॉर्म वीडियो जो है आजकल तो लोगों के पास टाइम नहीं है तो इसीलिए शॉर्ट वीडियोस लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं देखना और फिर वैसे भी ऐसे साल में एक आधा बार तो होगा ही होगा कि आपके चैनल में जो है व्यूज डाउन हो जाएंगे अगर आप कुछ सालों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो तो ये आपके साथ काफी बार हो चुके होंगे और आपको पता ही होगा मैं तो बस एक ही साल से काम कर रही हूँ पर फिर भी मुझे पता है क्योंकि मैं हमेशा से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहती थी स्पेशली इन यूट्यूब और मुझे सारे अपडेट्स एंड पॉलिसीज पता थे पहले से अभी भी जो नए अपडेट्स आते हैं वो मुझे पता होते हैं एंड आई कीप ऑन चेकिंग ऑल ऑफ दिस इसीलिए मैं इतना ज्यादा भी डिमोटिवेट नहीं हुई कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी पर ऑफकोर्स वन वीक के ब्रेक ले ली हूँ ब्रेक के बाद मुझे बस यही लगता है कि ना इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू कम बैक यू नो सात दिन के बाद ऐसा लगता है कि और एक दिन छोड़ देते हैं पर नहीं अभी से मैं ऐसा नहीं करूंगी थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द एंड कमेंट्स जिसके वजह से ना मैं होते होते भी ऐसे मोटिवेशन आ जाती है मेरे में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और बहुत सारा प्यार आप सबके लिए आप अपना ध्यान रखिएगा अगर आप अभी तक बने हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और हाँ लाइक करना मत भूलना आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ कभी कभार पर सारी कमेंट्स में ज़रूर से पढ़ती हूँ तो चलो आज के लिए इतना ही बाय बाय टेक केयर